नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में आज का अपना टॉपिक है भारतीय रेलवे जोन और उनके मुख्यालय वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या भारत में सत्रह है आज हम लोग एक एक करके उनके मुख्यालय ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है रेलवे जोन्स के नाम और सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है उनके मुख्यालय के नाम पहला है पूर्वी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है कोलकाता में तो पूर्वी रेलवे जोन में एक दिशा का नाम छुपा हुआ है पूर्व दिशा और कोलकाता से मिलता जुलता शब्द है कोलगेट तो जैसे ही सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उगते हैं तो हम सब अपने बिस्तर से उठ के कोलगेट करते हैं तो पूर्व दिशा से उगते हैं तो पूर्व दिशा से हो गया पूर्वी रेलवे जोन और कोलगेट से हो गया कोलकाता तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है कहा कोलकाता में अगला है पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है चर्च गेट मुंबई में तो जाहिर सी बात है सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उगते हैं तो पश्चिम दिशा में वो अस्त भी होते हैं तो जैसे ही सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं तो हम सब अंधेरा होने के बाद अपने घर का जो गेट है वह बंद कर लेते हैं पश्च अंधेरा होने के बाद क्या करते हैं घर का गेट बंद कर लेते हैं और चर्च का भी जो गेट है वह अंधेरे होने के बाद यानी सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद बंद हो जाते हैं तो चर्च गेट से हो गया चर्च गेट मुंबई और पश्चिम दिशा में जब अस्त होते हैं तब हम लोग गेट बंद करते हैं तो पश्चिम दिशा से हो गया पश्चिमी रेलवे जोन तो पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है चर्च गेट मुंबई में अगला है उत्तरी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में तो उत्तरी में एक दिशा का नाम छुपा हुआ है उत्तर दिशा तो उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉर्थ और दिल्ली याद करने के लिए दिल्ली को दिल कर लेते हैं तो दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हार्ट तो नॉर्थ और हार्ट दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं नॉर्थ हार्ट तो नॉर्थ से हो गया उत्तरी रेलवे जोन और हार्ट से हो गया दिल्ली तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है नई दिल्ली में अगला है दक्षिणी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है चेन्नई में तो दक्षिणी में एक शब्द छुपा हुआ है दक्षिणा तो जब पंडित जी को दक्षिणा नहीं मिलती है या कि पंडित जी जितना बोलते हैं उतनी दक्षिणा नहीं मिलती है तो पंडित जी क्या करते हैं चिल्लाने लगते हैं तो चिल्लाने से हो गया चेन्नई और दक्षिणा नहीं मिलती है तो दक्षिणा से हो गया दक्षिणी रेलवे जोन तो दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है चेन्नई में अगला है मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है मुंबई में तो मध्य रेलवे जोन में जो मध्य शब्द है वो माँ से शुरू होता है और इसके मुख्यालय का जो मुंबई शब्द है वह भी माँ से ही शुरू होता है तो मध्य रेलवे जोन और मुंबई ये दोनों मामा से शुरू होते हैं इसलिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ऐसा और कोई भी रेलवे जोन नहीं मिलेगा जो माँ से शुरू हो तो माँ से हो गया मध्य रेलवे जोन और सेम इसका मुख्यालय भी माँ से मुंबई तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मुंबई में अगला है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जो कि कोलकाता में स्थित है इससे पहले जो पूर्वी रेलवे जोन था वह भी कोलकाता में स्थित था तो इसमें भी पूर्व शब्द छुपा हुआ है और दक्षिण को हम लोग याद करने के लिए दांत कर लेते हैं तो जैसे ही सूर्य भगवान पूर्व से उगते हैं तो हम लोग दांत साफ करते हैं किससे कोलगेट से तो दांत से हो गया दक्षिण कोलगेट से हो गया कोलकाता और जैसे ही सूर्य भगवान पूर्व से उगते हैं तब हम लोग दांत साफ करते हैं कोलगेट से तो पूर्व से हो गया पूर्व तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है कोलकाता में सेम पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भी कोलकाता में ही था अगला है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है हुबली में तो जैसे कि हम लोग ने पहले वाले में दक्षिण को दांत माना था तो इसमें भी हम लोग दक्षिण को दाँत ही मानेंगे और पश्चिम में एक शब्द छुपा हुआ है चम तो उंगली से हम लोग जब कोलगेट करते हैं तो दांत जो है वह चमचम चंध चमकने लगते हैं उंगली से जब हम लोग दांत साफ करते हैं तो दांत चमकने लगते हैं तो चमकने से हो गया पश्चिम और दांत से हो गया दक्षिण और उंगली से हो गया हुबली तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है हुबली में अगला है उत्तर पूर्वी सी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है मालेगाँव में तो उत्तर पूर्वी सी उत्तर का यू पूर्वी का पी और सी का सी तो इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यू पी सी ऐसा लग रहा है जैसे मैं यू पी एस सी की बात कर रहा हूँ यू से हो गया उत्तर पी से हो गया पूर्वी और सी से हो गया सी तो यू पी एस सी अगर कोई गांव का लड़का यू पी एस सी क्वालिफाई करे तो उसका माला पहना के स्वागत करना स्वाभाविक है अगर कोई गांव का लड़का यूपीएससी पी क्वालिफाई करे तो उसका माला पहना के उसका स्वागत करना स्वाभाविक है तो माला पहना के गांव के लड़के को तो माला और गांव से हो गया मालेगांव और यूपीएससी से हो गया उत्तर पूर्वी सी रेलवे जोन तो उत्तर पूर्वी सी रेलवे जोन कहाँ स्थित है मालेगाँव में अगला है पूर्वी तट रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में तो भुवनेश्वर कुमार जो इंडिया में एक बॉलर है उसकी जो गेंद है वह पूरी कट हो जाती है भुवनेश्वर कुमार की जो गेंद है वह पूरी कट हो जाती है तो पूरी कट से हो गया पूर्वी तट रेलवे और भुवनेश्वर कुमार से हो गया भुवनेश्वर तो पूर्वी तट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है भुवनेश्वर में अगला है पूर्वोत्तर रेलवे जोन जिसका मुख्यालय स्थित है गोरखपुर में तो पूर्वोत्तर में दो शब्द छुपे हुए हैं एक पूर्व दूसरा उत्तर तो यहाँ पे उत्तर को हम लोग आंसर कर लेते हैं ना कि नॉर्थ तो इसमें एक शब्द है गो रख तो अगर बघेले में बोला जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे गोड़ रखने की बात हो रही हो पैर रखने की बात हो रही हो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर दो तब पैर रखो जब तक पूरा उत्तर नहीं दोगे तब तक पैर नहीं रखोगे तो अगर कोई पासवर्ड होगा तो जब तक वह पूरा पासवर्ड नहीं बता देंगे तब तक वह पैर नहीं रखने देंगे तो पूरा उत्तर दो तो पूरा उत्तर से हो गया पूर्वोत्तर रेलवे जोन और तभी वो गोर रखने देंगे तो गोर रखने से हो गया गोरखपुर तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, है? गोरखपुर में अगला है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है जयपुर में और जयपुर किसकी राजधानी है राजस्थान की तो जैसे ही राजा उतरते हैं रथ से जैसे ही राजा रथ से उतरते हैं तो उनके पीछे से उनकी जय जयकार होने लगती है तो जय जयकार से हो गया जयपुर और उतरने से हो गया उत्तर और पीछे से जय जयकार होती है तो पीछे से हो गया पश्चिम तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और जैसे हो गया जयपुर तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है जयपुर में अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है बिलासपुर में तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन तो दक्षिण को हम लोग दक्षिणा मान लेते हैं तो जब दक्षिणा पंडित जी को पूरी नहीं मिलती है वह बीच में ही आस छोड़कर भाग जाते हैं पंडित जी को अगर पूरी दक्षिणा ना मिले तो वह बीच काम में ही उनकी आस क्योंकि टूट जाती है उनको पूरा दक्षिणा नहीं मिलती तो वह जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं बीच में तो बीच यानी मध्य में दक्षिणा पूरी तो दक्षिणा से हो गया दक्षिण और पूरी से हो गया पूर्व तो इस तरह से हो गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन और उनकी आस टूट जाती है तो आज से हो गया बिलासपुर तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बिलासपुर में अगला है कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है तो कोलकाता और कोलकाता दोनों मैच कर रहे हैं इसकी कोई भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है तो कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहा है, है? कोलकाता में अगला है पूर्वी मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है हाजीपुर में पश्चिम मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है जबलपुर में उत्तर मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में और दक्षिण मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में तो इसमें एक शब्द कॉमन है मध्य रेलवे जोन और हम लोग जब दिशाओं का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं पहले पूरब फिर पश्चिम फिर उत्तर फिर दक्षिण कोई भी ऐसा नाम नहीं लेता कि कोई पहले दक्षिण बोले उत्तर बोले फिर पश्चिम फिर पूर्व या कि कुछ और हम लोग डायरेक्ट पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण बोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और फिर उसके बाद मध्य रेलवे जोन लगा देना है तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक एक लाइन की है वह ट्रिक है हाँ जी पूरा बल इलाके में चुकंदर खाने से आया हाँ जी पूरा बल इलाके में चुकंदर खाने से आया तो हाजी से हो गया हाजीपुर पूरा बल पूरा बल से हो गया जबलपुर इलाके तो इलाके से हो गया इलाहाबाद और चुकंदर खाने से तो चुकंदर से हो गया सिकंदराबाद तो इस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इनके साथ जो लगा हुआ है मध्य रेलवे जोन यानी पूर्व मध्य रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन उत्तर मध्य रेलवे जोन और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है क्रमशः हाजीपुर जबलपुर इलाहाबाद और सिकंदराबाद में इसकी क्या ट्रिक है हाजी पूरा बल इलाके में चुकंदर खाने से आया तो इस तरह से अपना ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद